अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रहा हूँ आलू पालक के पकोड़े। तो चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। उससे पहले भाई के एक छोटा सा काम करें, प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा कि मेरा हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए करे। तो चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। एक कप आपने बेसन ले लेना है, एक चम्मच आपने नमक ले लेना है, एक चम्मच आपने चाट मसाला ले लेना है, एक चम्मच आपने लाल मिर्च ले लेनी है, और एक चम्मच आपने कुटी लाल मिर्च ले लेनी है, और एक चम्मच आपने ज़ीरा ले लेना, और एक चम्मच आपने सूखा धनिया ले लेना है। मसाले हम इस बेसन में ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक कप आपने पालक ले लेनी है, पालक मैंने घर की ली है। एक मैंने आलू ले लिया है, इसको आपने इस तरीके से काट लेना है। हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। साथ साथ पानी डालूंगा और अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट बना लूंगा। बिल्कुल आपने थोड़ा सा सोडा भी ऐड कर देना है इसमें, और इसको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पेस्ट होगी हमारी माशाल्लाह तैयार। तब इसको हम चूल्हे की तरफ ले जाएंगे। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं पकौड़ों को फ्राई कर लूँगा। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब इनको हम निकाल लेंगे और बाकी भी हम सारे इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो पकौड़े हो गए हमारे माशाल्लाह तैयार। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी आपको सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जाते हुए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।